वैसे होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। मॉर्निंग सबको, और राम राम। तो अभी की अभी हमने 6 बजे पहुंचना है नीचे। भाई जी आपकी क्या नाम है आपका? रमन शर्मा। अब थोड़ा फ्रेश वगैरह हो। 9 सेक्टर, हाँ वहाँ पर भी आर्मी कैंप है। और मैं आपको ट्रैकिंग का पूरा शेड्यूल बता देता हूँ कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है। चलो मिलते हैं आपसे। फ्रेश तैयार हो चुके हैं, तो आपको भी अपना गेटअप दिखा देता हूँ। अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाएंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं 9 सेक्टर में। तो अभी यहाँ पर हमारे VIP सर आने वाले हैं, तभी थोड़ा बहुत डिस्कशन करके और मैं आपको बताता हूँ बस यहाँ से बहुत जल्दी निकल को, जिन्होंने कि ये अच्छी एक और भी करनी चाहिए बहुत सारे। तो चलिए अभी थोड़ा सा हमारे VIP सर, इंशाल्लाह मज़ा आएगा, मज़ा आएगा ना हमारे जो VIP सर। चलो मिलते हैं आपसे आगे। जय हिंद। एक ही जगह पहुंचे हो? मल्हार। डंडोर से आगे एक जगह फ्लड आया है, मे बी 7:30-8 बजे के करीब हम गुगुट, जहाँ पे हम नाइट स्टे कर लेते हैं। ओके, तो मतलब 12 किलोमीटर आज का है हमारा। आसान है, कोई चुकी है, चेक करो। पता नहीं क्या होना, देखते हैं अब हमारी गाड़ी निकलती है कि नहीं। वेरी गुड। हेलो, देखे यहाँ के छोटे छोटे हैं भाई लोग अपने। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, काफ़ी हो गई है, अभी ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं। तो अभी अपना पार्टी आ गई है, थोड़ी देर में वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी हम सारे यार दोस्त बैठे हैं, तो हमारा ट्रैक कल से स्टार्ट होने वाला है। तो चेक करो, यहाँ पर सारे अपने भाई लोग बैठे हैं। हाय गुरु भाई। हाय। सारे अपने यार दोस्त हैं और यहाँ पर अपने भाई बैठे हैं, और चेस चल रही है हमारी। चेक करो, अभी आपको चेस गेम दिखाते हैं इनकी। तो वो अपना अंशुमन भाई। चलो अभी देखते हैं रात को, कुछ अगर मस्ती देते हैं करने वैसे होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मॉर्निंग सबको, और राम राम। तो अभी की सुबह सुबह टाइम है अभी 5:30 और यहाँ पर सारी अब तैयारी हो रही है। अभी हमने 6 बजे पहुँचना है नीचे। मैक्सिमम बंदे उठ रहे हैं। भाई कैसे गई आपकी रात? बहुत बढ़िया आपकी भाई, बहुत बढ़िया। भाई जी आपकी क्या नाम है आपका? रमन शर्मा। भाई आप भाई एक क्लास सेक्सी, बढ़िया। सुबह जल्दी उठा लिया। तो चलो यार अब थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद आगे का प्रोग्राम आपको पूरा बताते हैं। अभी हमने जाना है 9 RR सेक्टर, 9 सेक्टर, हाँ वहाँ पर भी आर्मी कैंप है, वहाँ पर एक प्रोग्राम है, उसके बाद हमने निकलना है अपनी ट्रैकिंग पे। और मैं आपको ट्रैकिंग का पूरा शेड्यूल बता देता हूँ कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है। हमारा ट्रैक है अंशुमन, बैक साइड दिखा,
बस करो ये तो फिर अब देखते हैं। चलो मिलते हैं अब आपसे फ्रेश वगैरह होके। अभी हम सारे तैयार हो चुके हैं तो आपको भी अपना गेटअप दिखा लेता हूँ मैं। अभी हमने फ़ोटो वगैरह लेने, उसके बाद देखते हैं चेक करो साइज। तो अभी हम आ चुके हैं खाना खाने, चेक करो अंशुमन। यहाँ सारे ट्रैकर्स, अभी खाना शाना खा के फिर हमने निकला है 9 सेक्टर। वहाँ पर कुछ फंक्शन है, उस वजह को अटेंड करके हम डायरेक्ट निकलेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं 9 सेक्टर में, तो अभी यहाँ पर हमारे VIP सर आने वाले हैं, तभी उनका वेट है। तो यहाँ पर चेक करो, ये सारा अपना ग्रुप है, यहाँ पर सारे हैं अभी। तो अभी का प्रोग्राम ऐसा है कि अभी यहाँ से थोड़ा बहुत डिस्कशन करके और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होगा। आज हमें है सोंदर से गुगड़ तक, जो कि 13 किलोमीटर है। उसके बाद गुगड़ से काईकुट 8 किलोमीटर, फिर काईकुट से 70 चिन, यह है 6 किलोमीटर। और यह है हमारा रास्ता। सोंदर से जाना है पहले हमने गुगड़, जो कि 13 किलोमीटर का है। उसके बाद नेक्स्ट डे गुगड़ से काईकुट है 8 किलोमीटर का ट्रैक। उसके बाद यहाँ से हुदमाता भी बीच में पड़ते हैं और 70 चिन, यह है 6 किलोमीटर का। 70 चिन। तो अब हम बस यहाँ से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। और स्पेशल थैंक्स हमारी इंडियन आर्मी को, जिन्होंने कि ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी है हमें कि हम ट्रैक पे जाएं। ऐसे ऑर्गेनाइज और भी करने चाहिए बहुत सारे। तो चलिए अब ये थोड़ा सा हमारे VIP सर आ रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। यस यस, यहाँ तक गाड़ी जाती है, सोंडर तक हेलीपैड तक गाड़ी जाती है, उसके आगे चलो। रौफ भैया क्या फिर मज़ा आएगा आज, क्या बोलते हो? इंशाल्लाह मज़ा आएगा ना, मज़ा ही मज़ा आएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मज़ा ही मज़ा। उसके बाद नहीं पता, उसके बाद क्या पता तुम कहाँ हम कहाँ हैं। चलो भैया, अब हमारा यहाँ से सब कुछ प्रोग्राम हो गया है। हमारे जो VIP सर थे उन्होंने हमें बोल दिया है कि बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी। तो अभी हम निकलते हैं आपसे आगे। जय हिंद। किस जगह पहुँचे? मल्हार। यहाँ पर आर्मी कैंप है। यहाँ पर अभी यहाँ पर हमने लंच करना है, लंच नहीं ब्रेकफास्ट, क्या करना है? टू गुड लंच। लंच करना है अभी हमने, उसके बाद फिर स्नैक्स लंच सोंदर में। उसके बाद गगन वैनी साजन व्या। उसके बाद हमने कहाँ पहुँचना है? इसके बाद हम पहुँच गए इखाला, उसके बाद डंगडोरू से आगे एक जगह फ्लड आया है, मे बी हमें वहाँ से पैदल जाना पड़े। ठीक, तो वहाँ पे फिर हम लंच हमारा होगा सोंदर में, सोंदर बेस कैंप में। वहाँ से हमारा हम ठीक समझ लो 2 बजे निकलेंगे। 2 बजे निकलेंगे और 7:30-8 बजे के करीब हम गुगुट, जहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे। ठीक है, ओके। तो मतलब 12 किलोमीटर आज का है हमारा ट्रैक। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आराम से जाएंगे, हो जाएगा। चलो फिर अभी हम पहुँच चुके हैं अपने आर्मी कैंप। यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सिस्टम फाड़ देंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। अश्विन जी क्या कर रहे हो? अच्छा, यहाँ पर भी आज की नहीं रुकती है ये, क्या चुके हैं इस वाटरफॉल पे। चेक करो कितने ऊपर से आ रहा है, वाओ अल्टीमेट। बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा है अभी। चेक करो, अभी इसके नीचे नहाने का इतना मन कर रहा है ना, लेकिन नहीं नहा सकते। बहुत ही अच्छी जगह यार। और चेक करो आगे भी, बहुत अच्छी रास्ते पे है। तो सबसे नालो भाई फंस गया।
पर अभी हम पहुंचे यहाँ पर ना गाड़ी फंस चुकी है, चेक करो फ्लो, चेक करो। पता नहीं क्या होना, अब देखते हैं अब हमारी गाड़ी निकलती है कि नहीं। अब हमारी बारी है भाई। भाई 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 भाई, अरे भाई साइड पे चले हो भाई। चलो भाई निकल गए, अब मिलते हैं आगे आपसे। तो अभी का अपडेट कुछ ऐसा है कि हम अपने बेस कैंप, जो हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट बेस कैंप था सोंदर, वहाँ से हम 4 किलोमीटर पीछे उतर गए क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी हालत थी। यहाँ पर एकदम फ्लड आ चुका है, हमने जाना है यहाँ से और हमें अभी 4 किलोमीटर और चलना है। तो चलो करते हैं क्रॉस, अब यहाँ से देखते हैं। फट गया ट्राउजर, फट गया। तो चलो अभी यहाँ से आगे का सफर करते हैं। सोंदर वाली जगह, सोंदर, आई लव सोंदर। तो अभी यहाँ पर हम रिपैक वगैरह कर लेंगे, थोड़ी रिफ्रेशमेंट वगैरह खा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो आप जगह चेक करो आपका। आपका आपका वेरी गुड। हेलो, ये थे यहाँ के छोटे छोटे भाई लोग अपने। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, अभी थोड़ा स्ट्रेचिंग काफ़ी हो गई है, अभी ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, कुछ खाना, पार्टी आ गई है थोड़ी देर में। और अभी हम सारे उठ चुके हैं, आज नेक्स्ट डे, हमारा मौसम ख़राब था तो हमारे सर ने बोला था कि नहीं आज इतनी स्टे करते था। तो कल हमने जाना था गूगट और उसके बाद हमने 5 बजे हम उठे और मेन बात है हमें स्लीप। तो मजा नहीं आ रहा उतना। नंबर 1 अभी मेरे गुटबंद।